दोस्तों पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर फिलहाल जानवरों एवं पक्षियों में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और टेक्नोलॉजी से बढ़ते रेडिएशन के कारण कई सारे पशु पक्षी आज विलुप्त होने के कगार पर है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये खतरा पूरे मानव जाति तक पहुँच जाएगा और शायद एक दिन हम इंसान भी इस धरती से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। खैर, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के 10 ऐसे अनोखे पक्षी जो इस धरती से अगले कुछ सालों में पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। कुछ ऐसे पक्षी जिनकी जनसंख्या पूरी दुनिया में सिर्फ 5 और 10 ही रह गई है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। रेड हेडेड वल्चर। दुनिया के विलुप्त होते पक्षियों की गिनती में रेड हेडेड वल्चर का नाम सबसे ऊपर आता है। इस पक्षी को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इंडियन ब्लैक वल्चर, एशियन किंग वल्चर और व्हाइट रामड वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी ओल्ड वर्ल्ड वल्चर की प्रजाति से बिलोंग करते हैं और हाल फिलहाल इनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से गिरती जा रही है। ये बर्ड हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में काफी मदद करते हैं। ये ज्यादातर मरे हुए जानवर को खाकर वातावरण को साफ रखते हैं। साथ ही बर्ड्स की प्रजाति में इन्हें टॉप प्रेडिटर भी माना जाता है। एक समय था जब इंडिया के जंगलों और गांवों में इस पक्षी को आसानी से देखा जाता था, लेकिन इनके हैबिटेट के खत्म होने के कारण इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और आज नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में रेड हेडेड वल्चर की जनसंख्या सिर्फ 15,000 बची हुई है। स्पून बिल्ड सनपाइपर। वैसे तो दुनिया में कई तरह के पक्षी देखे जाते हैं, लेकिन उसी में स्पून बिल्ड सनपाइपर बेहद ही अनोखा बर्ड है, जिसका चोंच बाकी पक्षियों के मुताबिक थोड़ा अलग है, जो बाकी पक्षियों से इन्हें अलग बनाती है। असल बात यह है कि इनके चोंच का शेप एंड साइज बिल्कुल किसी स्पून यानी कि चम्मच के जैसा होता है, और यही वजह है जिसके चलते इसका नाम स्पून बिल्ड सनपाइपर रखा गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये पक्षी आज संकट में है और तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ये ठंड के दिनों में इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो दूसरे देशों से माइग्रेट होकर यहाँ आते हैं। पूरी दुनिया में इनकी जनसंख्या बस गिने चुने रह गए हैं, जिसका मुख्य कारण है इनके हैबिटेट में बदलाव, जिसके चलते इनके रिप्रोडक्शन में भारी कमी होना। पूरी दुनिया में इसकी जनसंख्या सिर्फ 1,000 बची हुई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंडिया में पाए जाने वाले बस्टर्ड प्रजाति के ये चिड़िया काफी बड़ी होती है। इन्हें उड़ने वाला सबसे लार्जेस्ट बर्ड भी कहा जाता है। इनके शरीर का साइज बाकी की चिड़ियों से काफी बड़ी होती है। इनके लेग किसी बड़े जानवर की तरह लंबे और मजबूत होते हैं, जिसके वजह से ये दिखने में एक शुतुरमुर्ग के जैसा लगते हैं। इनका वजन करीब 15 किलोग्राम तक होता है, लेकिन ये भारी होने के बावजूद भी उड़ने की काबिलियत रखते हैं। इनके गर्दन की लंबाई जमीन से लेकर करीब 1 मीटर तक होती है और ये मोस्टली कीड़े मकोड़े और छिपकली खाते हैं। लेकिन आज इनका अवैध रूप से शिकार और बड़े बिजली के तार के कारण काफी भारी संख्या में इनकी मौत हो रही है, जिसके चलते IUCN के रेड लिस्ट में इस पक्षी को डेंजर जोन में रखा गया है। और ये पक्षी सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है और ये काफी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में इस चिड़िया की जनसंख्या सिर्फ 150 बची हुई है। आपको बता दें कि इस पक्षी को राजस्थान में स्टेट बर्ड माना जाता है। इस पक्षी को बचाने के लिए कई कैंपेन चलाई जा रही है। साइबेरियन क्रेन। दुनिया का एक बेहद ही ब्यूटीफुल बर्ड साइबेरियन क्रेन आज विलुप्त होने के कगार पर है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ठंड के मौसम में ये पक्षी माइग्रेट कर हर साल साइबेरिया से उड़कर इंडिया आते हैं, और वहाँ अत्यधिक सर्दी होने के कारण वो इंडिया के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। व्हाइट कलर की ये साइबेरियन क्रेन बर्फ की तरह सफेद होते हैं। ठंड के दौरान इंडिया में इस पक्षी को लखनऊ स्टेट के भरतपुर में देख सकते हैं। हालांकि ये बर्ड भी काफी तेजी से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आने वाले समय में शायद इनकी जनसंख्या काफी गिने चुने ही रह जाएंगे। व्हूपिंग क्रेन। व्हूपिंग क्रेन दुनिया का एक विचित्र पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्रूस अमेरिकाना है, और ये पक्षी एक सारस पक्षी के प्रजाति से आता है। इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके माथे पर एक लाल रंग का ताज बना होता है। इस पक्षी का चोंच भी काफी नुकीला होता है। ये पक्षी दूध के जैसे उजले रंग के होते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। ये पक्षी साइज में काफी बड़े होते हैं, जिसका साइज करीब 5 फीट तक हो सकता है। इस पक्षी में इतना स्टेमिना होता है कि ये एक बार में काफी
लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इनका एक समूह कनाडा देश से सर्दियों में रहने के लिए अमेरिका के एक स्टेट टेक्सास तक हर साल 4000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भरते हैं, जो अपने आप में काफी हैरत की बात है। लेकिन अफसोस, ऐसे दुर्लभ पक्षी की जनसंख्या पूरी दुनिया में सिर्फ 21 रह गई है। ये पक्षी करीब करीब विलुप्त ही हो गए हैं, जिसका मुख्य कारण है तेजी से हो रहे जंगलों की कटाई और लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन। IUCN के द्वारा इस पक्षी को रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में इस पक्षी का अस्तित्व बना रहे। मॉरिटस पिंक पिजन। दोस्तों, ये दुनिया का बेहद विचित्र पक्षियों की गिनती में आता है। ये कबूतर के प्रजाति से बिलोंग करते हैं। वैसे तो कबूतर ज्यादातर उजले रंग के होते हैं, लेकिन ये अनोखा कबूतर ऐसा है जिसका शरीर का रंग पूरी तरह पिंक यानी कि गुलाबी कलर के होते हैं। आमतौर पर बाकी पक्षियां कीड़े मकोड़े खाते हैं, वहीं मॉरिटस पिंक पिजन एक ऐसा पक्षी है जो शुद्ध रूप से शाकाहारी है, जो खाने में फूल पत्तियां टहनियां फल और बीज खाते हैं। ऐसे दुर्लभ पक्षी आज खतरे में है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके अंतः प्रजनन के कारण ये दुनिया से विलुप्त होने के कगार पर है। मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन पिछले 50 वर्षों से इस पक्षी को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया भर में इस मॉरिटस पिंक पिजन की जनसंख्या सिर्फ 500 बची है, लेकिन खास बात यह है कि 1980 में इस पक्षी की जनसंख्या दुनिया भर में सिर्फ 10 थी, लेकिन इस पक्षी को सुरक्षित कर आज इसकी जनसंख्या 500 कर दी गई है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में इस पक्षी को पूरी तरह विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन को बस्टर्ड प्रजाति का लार्ज स्पीसीज माना जाता है, जो कि मोस्टली ड्राई एरिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा लंबे घास वाले मैदान इस पक्षी के लिए सबसे पसंदीदा जगह माना जाता है। ये अनोखा बर्ड भी डेंजर जोन में शामिल है। ये मुख्य रूप से इंडिया, नेपाल और कंबोडिया देश में ही पाए जाते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चिड़िया बाकी के देशों से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं और इंडिया में भी इनका पॉपुलेशन सिर्फ 500 या उससे अधिक ही बचा है। अवैध शिकारी और हैबिटेट चेंज के कारण इस पक्षी की जनसंख्या कम होती जा रही है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये पक्षी मोस्टली रेडिएशन के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है बड़े टेक्नोलॉजी, मोबाइल टावर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। व्हाइट बेलेड हिरन। दुनिया का सबसे रेयर स्पीसीज की बात आती है तो उसमें व्हाइट बेलेड हिरन का नाम सबसे ऊपर आता है। ये इतना रेयर है कि काफी मुश्किल से ही कोई इसे देख भी पाता है। ये आपको इंडिया के आसाम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक कई वजह है जिसके वजह से इनके जनसंख्या में भारी कमी आई है। फुट हिल्स के नदियों में इन्हें देखा जा सकता है। दिखने में ये बर्ड काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इनके शरीर थोड़े लंबे होते हैं, जिसमें ग्रे कलर के फेदर इन्हें काफी खूबसूरत बनाती है। इनके गर्दन को ध्यान से देखा जाए तो ये काफी लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन अफसोस ये धीरे धीरे इस धरती से खत्म हो रहे हैं और यकीनन आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। ये पूरी दुनिया में इनकी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 60 बचे हुए हैं, जो कि बेहद ही कम है। शेशोबिल लॉपविंग। लॉपविंग फैमिली के इस बर्ड को इनके खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये माइग्रेट किए हुए प्रजाति हैं जो ज्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं। सामान्यतः ये ठंड के समय कजाकिस्तान के ग्रासलैंड में दिखाई देते हैं और वहां से इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की तरफ माइग्रेट करते हैं। इस पक्षी का खूबसूरती ही इनका पहचान है। इनके पैर और डार्क सुनहरे पेट काफी खूबसूरत लगते हैं और इस पक्षी का पैर भी काफी लंबे होते हैं। साथ ही पेट का कलर एक ब्लैक स्पॉट की तरह होता है, जिससे ये ज्यादा अट्रैक्टिव बर्ड्स में गिने जाते हैं। ये ज्यादातर सूखे खेतों में रहना पसंद करते हैं। दूसरे बर्ड की तरह ये बर्ड भी काफी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, जिसके चलते IUCN ने इसे रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। इनके हैबिटेट डिग्रेडेशन के वजह से ये करीब करीब विलुप्त के कगार पर है। हिमालयन कुविल। एग्जिंट होते बर्ड्स में हिमालयन कुविल काफी अमेजिंग और ब्यूटीफुल बर्ड है। ये आमतौर पर एक मीडियम साइज के पक्षी है और ये एक कबूतर के प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ये मुख्य रूप से हिमालय के आसपास ठंडे जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई सालों से इस पक्षी को नहीं देखा गया है, जिसके चलते इसे क्रिटिकली डेंजर जोन में रखा गया है। ये दिखने में ब्राउन कलर के होते हैं और इनका चोंच रेड या तो येलो कलर का होता है। ये पक्षी ज्यादातर ग्रुप में ही रहा करते हैं। कहा जाता है कि इस पक्षी को आज से करीब 100 साल पहले ही देखा गया था और माना जाता है कि ये पक्षी आज के दिन में लगभग पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं।
तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ अनोखे बर्ड जो आने वाले समय में पूरी दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, जिसका मुख्य कारण हम इंसान ही हैं। आज बढ़ते पॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन सबसे ज्यादा पक्षियों को ही प्रभावित कर रही है, जिसके चलते इनका अस्तित्व मिटता ही जा रहा है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपको इनमें से कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा अनोखा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते अगले वीडियो में एक नए और अनोखे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।